हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी जब आप टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पम्प्स पढ़ते हैं प्लांट्स की कैटेगरी आपको पता ही होगी इनके अलग वीडियो मैंने डाले हुए हैं टेरिडोफाइट्स और एंड जिम्नोस्पम्प्स तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मीन्स स्पोर्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स तो दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स एज द नेम इज गिविंग इंडिकेशन माइक्रो माइक्रो मींस स्मॉल स्मॉल साइज स्पोर्स एंड मेगा लार्ज साइज स्पोर्स then in pteridophytes and gymnosperms if the both type of spores are present that means microspores are present and megaspores are also present then the condition is known as heterosporous condition if any one type of spore is present similar size of spores all the spores are similar देर इज नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन इन द साइज ऑफ़ स्पोर्ट दैट द माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स ऑल द स्पोर्स इन साइडर इन कंडीशन दैन द कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरस कंडीशन या होमोस्पोरी हैट्रोस्पोरी एंड होमोस्पोरी जब हम कोन देखते हैं टेडोफाइट्स और जिमनोस्पर्म की कोन्स जो रिप्रोडक्टिव कोन्स होती हैं इन कोन्स को अगर हम देखें यहाँ पर रिप्र, रिप्रोडक्टिव कोन्स में जो स्पोरेंजियम होती हैं वो इस तरीके से कोन्स में अरेंज होती हैं ये सभी को पता होगा अगर टेरिडोफाइट्स जिनमें भी पढ़ा हुआ है दिस इज द एलस ऑफ अ कोन एनी टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के किसी भी कोन को हम ले लें तो ये एलस है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है कोन का तो यहाँ पर ये स्पोरोफिल्स हैं इफ़ द स्पोरेंजियम इज माइक्रोस्पोर एंजियम इनसाइड दैट माइक्रोस्पोर्ट्स आर प्रेजेंट एंड इट इज द माइक्रोस्पोरो स्पोर्ट्स आर माइक्रोस्पोर्ट्स और मेगा स्पोर्ट्स अब इनकी कंडीशन कैसी होगी एक कोन में दोनों ही स्पोर्ट पाए जा रहे हैं माइक्रोस्पोर्ट्स भी पाए जा रहे हैं और मेगा स्पोर्ट्स भी पाए जा रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज Only on the lower sporophylls, lower sporophylls, only megasporophylls are present. That means megasporangium are present, and inside the megasporangium, megaspores are present. And whole other rest, rest other uh, cone has the microsporangium. In another species, they may be only one megasporangium, and rest other sporangium are microsporangium. इन समर एनअर स्पीशिजेस लाइक स्पैगनम वगैरह में जहाँ पर सिंपल एक साइड में माइक्रोस्पोरेंजिम होते हैं और एक साइड में मेगा स्पोरनजियम प्रेजेंट होते हैं तो कंडीशन और अगर यही कंडीशन इस पूरी कोन में सारे स्पोर्स सिमिलर हैं सारे सिमिलर स्पोर्स हैं उनका साइज सिमिलर है दे विल दिस कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरस कंडीशन एंड इफ द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर बोथ आर प्रेजेंट देन द कंडीशन इज हेट्रोस्पोरस कंडीशन माइक्रोस्पोरस माइक्रोस्पोर फर्दर आगे जाके मेल गैमिटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं एंड मेगास्पोर्स आगे जाके फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं माइक्रो और स्पोर्स और मेगा स्पोर्स आगे जाके कैसे मेल गैमिटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं कैसे फीमेल डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट मीस आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा लेकिन अभी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस कंडीशन सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर होमोस्पोरस कंडीशन इफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर देन कंडीशन इज नोन एज Heterosporous condition. Thank you.